तो गिरगांव चौपाटी का प्लान हो गया कैंसिल। बहुत ही सुपर भीड़ और नो पार्टी। कार होने के अपने ही फायदे भी है, नुकसान भी मुंबई में क्यों। और ये है मरीन ड्राइव जहाँ भी सुपर भीड़ है एकदम जोर की। अब लेट्स सी कहाँ ले जाता है क्रिसमस अपन को। क्रिसमस है आज और इनने कुछ प्लान बनाया था घूमने का, बहुत सारा पानी लेके हम कहीं तो जा रहे हैं पर शाम के 5 बजा दिए। कोई ईमान धर्म नहीं जल्दी जाने का कि नहीं यार, पानी ज़्यादा वजन हो गया इनके पास तो संभल नहीं रहा। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे, मुंबई में। यही बोल रही थी कि बस यही चाहता कि 5 बजे ना निकले तो ठीक है, 4:30 निकलते। हाँ तो ठीक है ना, आधे घंटे पहले निकल रहे हैं। स्टिल प्रोग्रेस, इट्स स्टिल अ प्रोग्रेस। और मुंबई में पता नहीं ट्रैफिक बहुत है। एक रेड कार, एक व्हाइट कार। हाँ क्रिसमस, ये हमारी कार और ये वो एक रेड कार, बन गया क्रिसमस। यार कुछ तो अच्छा जाना पड़ेगा ना घूमने। यार घर से तो निकल गए हैं पर अभी तो समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाना चाहिए। मोस्टली तो जितना मैंने सुना है, एक फ्रेंड ने रिकमेंड किया था सेंट मेरीज चर्च, शाहरुख खान के घर के पीछे बैंड स्टैंड आई गेस, पहाड़ पे चर्च बना है। आई हैव नॉट बीन देयर बट आई थिंक अच्छा है, बड़ा है चर्च। मैं बाहर से गई हूँ, वेरी प्रिटी एंड ऑल। तो अगर मुंबई में और उस साइड हो तो ज़रूर जाने का। अभी हम लोग जाने का सोचेंगे तो 1.5 आवर दूर है तो नहीं पहुंच पाएंगे। अभी मोस्टली गिरगांव चौपाटी जा रहे हैं बिकॉज वो भी हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। मे बी अ सनसेट फ्रॉम गिरगांव चौपाटी इट इज। हाँ और कोई क्लोज जगह जाने का एज सच मन भी नहीं है लुकिंग एट द सिचुएशंस। तो बीच साइड है गिरगांव चौपाटी जाने की सोच रहे हैं। एंड सनसेट टाइम, वहाँ सनसेट देखेंगे, देन वी माइट गो टू सोहो, दैट इज अ रेस्टोरेंट जुहू आई गेस। So, also, कल रैंडमली हम लोग जब ड्राइव पे गए क्रिसमस वाइब्स के लिए, द क्रिसमस वाइब्स वर अमेजिंग ऑन द बांद्रा वर्ली सीलिंग। पूरा बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा है यार, रेड कलर का था, इट वाज सो प्रीटी। कल रात का वीडियो आप अभी देखो, इधर भी आपको दिखेगा एक्चुअली। और उसकी जस्ट जैसे ही हम लोग बांद्रा पहुंचे ना, वहाँ पे कुछ प्रोमेनेड है, वहाँ पे इतना सुंदर डेकोरेशन था, वेरी प्रिटी। इफ यू आर इन मुंबई यू शुड डेफिनेटली, आई थिंक द नेम इज बांद्रा वंडरलैंड, ऐसा कुछ नाम है, द बांद्रा वंडरलैंड ऐसा कुछ है। वी कुड नॉट गो देयर बिकॉज़ द ट्रैफिक वाज टू मच, तो कार पार्क का बहुत प्रॉब्लम है। कार पार्किंग की जगह नहीं थी बट राइट में ऐसे ही ड्राइव पे निकल गए थे तो काफी अच्छा लगा वहां, बहुत अच्छा डेकोरेशन था, गुड वाइब्स, सो नाइस प्लेस। सो यस, क्रिसमस पे बांद्रा वर्ली सीलिंग, बांद्रा वंडरलैंड या प्रोमेनेड जो भी वो है, और सेंट मेरीज चर्च। सेंट मेरीज चर्च, यस। यार हमने बहुत ट्राई किया बट नहीं पहुंच पा रहे हैं, चौपाटी तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, पार्किंग नहीं है, भीड़ बहुत है, भीड़ इतनी है कि सेफ नहीं लग रहा। हाँ, तो थोड़ा आगे जाके भीड़ कम भी थी बट पार्किंग ही नहीं है यार। मुंबई में अपने कार होने के सच में बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। अपनी कार से आए हैं तो फायदा ये है कि कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सेफ है, अपने हिसाब से चलाओ, अपने हिसाब से रुको। ये भी अच्छी जगह दिख रही है, इंटरकॉन्टिनेंटल हमको दिख रहा है, इसके कॉफी हाउस पे ही बैठ सकते हैं, यहाँ से भी व्यू तो अच्छा है। हमने डोम पे बात की, वहाँ पे बुक्ड है, प्राइवेट पार्टी है। अभी नारिमन पॉइंट के आसपास घूम रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। डोम इंटरकॉन्टिनेंटल का रूफ टॉप है जहाँ से की मरीन ड्राइव का बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, सो वहाँ आप जाना कभी ना कभी कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स सी, वी माइट गो टू द कॉफी प्लेस एट इंटरकॉन्टिनेंटल नाउ।